हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन यूजीसी नेट की। यह यूनिट फाइव जो है, यूनिट फाइव में है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में है कोड्स। ये कोड बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है जिससे हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने से हमारी एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन बनता है उससे हम बहुत ही इजी तरीके से उठा सकते हैं। इनका 2 मार्क्स हम इजीली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो है कोड्स क्या है। कोड्स क्या है ये समझेंगे। इसके साथ साथ कोड्स की 3 रूल्स, कोड्स कैसे होता है इनके बारे में 3 रूल्स कोड के हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 रूल्स अगर हमको पता हो गया तो होप कोड्स के लिए जितना क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा हम इसे बहुत ही आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कोड्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कोड्स क्या है। पहला जो बात है, कोड्स आर ए वे ऑफ अल्टरनेटिंग ए मैसेज सो द ओरिजिनल मीनिंग इज हाइडन। कोड्स ऐसा एक वर्ड से, ऐसा एक प्रोसेस से जिसके द्वारा हम इसका जो ओरिजिनल मैसेज है इसे हम हाइड करेंगे, इसके हम लुका के रखेंगे, इसे हम हाइड करके रखेंगे ताकि जनरली इसे देख के पता ना चले इसे क्या लिखा गया है। सो हम क्या है कोडिंग, ऐसे कहते हैं कोडिंग को डिकोडिंग करना होगा हमारी एग्जाम के लिए। डिकोडिंग करने से हमारी जो सही आंसर है वो निकल के आएगा। सो कोडिंग के साथ डिकोडिंग रिलेटेड है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले भी बोला फ्रेंड्स, कोडिंग्स आर वेरी इजी, ये आपको हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू में जो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन है 2006 के क्वेश्चन से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, पेपर से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं नंबर 1 में क्या है। इन ए सर्टेन कोड एफ एच क्यू के मीन्स गर्ल, जी आई आर एल, हाउ विल वुमेन बी रिटन इन द सेम कोड। यहां मैंने 2 बार लिख दी तो इन द सेम कोड। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसमें जो वर्ड है इसका मीन्स एफ एच क्यू के जो है इनका मीनिंग क्या है, जी आई आर एल। तो ये जो लेटर है, लेटर्स के साथ कुछ एक इंटरनल लॉजिक है, हमारे क्या करना है इस लॉजिक को फाइंड आउट करना है। अगर हम लॉजिक को फाइंड आउट कर सकेंगे तब जाके हमारी क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, आगे से पीछे तरफ कुछ लॉजिकल रीजनिंग है क्या नहीं। एफ एच क्यू के K Q H F, इसमें आगे पीछे कुछ लॉजिकल रीजनिंग देखा ही नहीं देता। और तो ऊपर नीचे हम खोजने की कोशिश करेंगे कुछ रीजन है क्या। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक रीजनिंग दिखाई देता है, लॉजिक दिखाई देता है F G, यानी मान लीजिए ऐसा E F, E के बाद क्या है F, तो F के बाद क्या है G, यानी नेक्स्ट जो लेटर है ऊपर वाले जो लाइन है इसकी नेक्स्ट लेटर नीचे वाले जो लेटर ये होता है F के बाद में आता है क्या G, F G, G H के बाद I, Q R, K L। तो फ्रेंड्स यहां देखिए जो लॉजिक है जो ऊपर
का जो ऊपर वाले वार्ड है इसके साथ जो जो मींस में जो दिया है जो वार्ड है इसकी जो लेटर है ये इमीडिएट नेक्स्ट लेटर है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर कैसे, एफ के बाद जी एच आई क्यू आर के एल। तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो लॉजिक है इनके साथ वुमेन का क्या लॉजिक निकल सकते हैं हम, डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन, डब्ल्यू के बाद क्या आता है डब्ल्यू एक्स, ओ के बाद ओ पी, एम के बाद आता है एन, डी के बाद ई एफ, एन के बाद ओ। तो फ्रेंड्स ये होगा एक्स पी एन एफ ओ, एक्स पी एन एफ ओ नहीं है इधर, एक्स पी एन एफ ओ इधर है, ये करेक्ट है, बाकी सब तीनों क्रॉस होगा। सो यहाँ आंसर क्या होगा सी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो रीजनिंग है ये जो लॉजिक है यहाँ ये इतना टफ कुछ नहीं है, थोड़ा हमारे दिमाग लगाने से इसका जो आंसर है ये निकल आता है, ये हम सही ढंग से कर सकता है। इसमें जो टू मार्क्स से ये बहुत ही आसान तरीके से सब के लिए ये श्योर हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ ए स्टैंड्स फॉर फाइव, बी स्टैंड्स फॉर सिक्स, सी स्टैंड्स फॉर सेवन, D stands for 8 हो गया एंड सो ऑन, माने ऐसा चलता जाएगा। तो ये क्या है सो ऑन, देन द फॉलोइंग नंबर्स stands for यहाँ 17 है, 19 है, 29 and 8, ये भी December 2006 के question paper से मैंने उठाया है। अच्छा इसमें जो option है ये भी लिख दो, P L A N E, B में है M O P E D, C में है M O T O R, D में है T O N G A। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ क्या लॉजिक है उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ लॉजिकल रीजनिंग दिखाई देता है कि नहीं, ए स्टैंड्स फॉर फाइव, बी स्टैंड्स फॉर सिक्स, सी स्टैंड्स फॉर सेवन, डी स्टैंड्स फॉर एट। जो है यहाँ एक चीज क्लियर दिखाई देता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी डी, यानी नेक्स्ट जो लेटर ये नेक्स्ट लेटर में चला गया, इसमें फाइव के बाद सिक्स सेवन एट ये भी क्रोनोलॉजिकली चलता गया। तो फ्रेंड्स हमने पहले वाले जो क्लास है इसमें डिस्कस किया है हर लेटर के एक नंबर हम अगर एज्यूम कर ले ए से लेके जेड तक, वन से लेके 26 तक अगर हम एज्यूम कर ले, इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम इस टाइप की जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए की नंबर सीरियल
क्या होता है, नंबर वन होता है, बी के टू होता है, सी के थ्री, डी के फोर होता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए एक के सीरियल अगर नंबर्स में वन होगा तो इसमें कितना ज्यादा है, फाइव माइनस वन देन निकल आएगा, सो यहाँ कितना ज्यादा है, फोर। यहाँ भी टू माइनस होगा, बी के जो नंबर सीरियल टू है सो यहाँ भी फोर, या सी के थ्री है सो यहाँ भी फोर, यहाँ फोर है सो डी के जो नंबर सीरियल में ये फोर है सो यहाँ भी फोर। देखिए हर नंबर में फोर ज्यादा है यानी प्लस फोर हो गया होल नंबर का। तो हमारी एक बेसिक फॉर्मूला आ गया क्या है, इसमें प्लस फोर करके लिखा गया है, फोर नंबर के जो मार्क्स है ये प्लस फोर होके आया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम क्या है, 17, 19, 29, इसके साथ 8 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो नंबर वो है, नंबर में प्लस फोर करके लिखा है, तो प्लस फोर करके लिखने से हमारे अगर ये लेटर में जाना है तो क्या है, माइनस फोर हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, तो मैं फिर भी बताता हूँ, ए के मार्क्स वन थे यानी ये यहाँ प्लस फोर करके लिखा है, यानी लेटर से जब नंबर में जाता है तब क्या है, प्लस फोर होके आया है। तो नंबर से लेटर में जाने के लिए क्या होगा, माइनस फोर हो जाएगा। ये समझ में आ गया है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ अगर मैं नंबर फोर नंबर माइनस फोर दो तो जो होगा, यहाँ भी माइनस फोर, यहाँ भी माइनस फोर, यहाँ भी माइनस फोर, यहाँ भी माइनस फोर करके जो लेटर निकल आएगा ये हमारी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। देखिए फ्रेंड्स 17 से 4 माइनस करना है यानी क्या है 13, 19 से 4 माइनस करना है यानी क्या है 15, यहां 20 से 4 माइनस करना है यानी 16, यहां दाएं से 4 माइनस करना है यानी 5, यहां 8 से 4 माइनस करना है यानी 4। ये 13 वाले जो लेटर है, 15 वाले लेटर, 16 वाले, 5 और 4 वाले जो लेटर है, ये हमारे जो सॉल्यूशन है इसमें ये होगा। तो देखिए 17 माइनस 4 यानी 13, 13 वाले जो लेटर है आपको याद होगा, 13 वाले लेटर क्या है, एम। 15 वाले लेटर क्या है, अच्छा मैं और एक फॉर्मूला देखा दो जो जिसे कहते हैं ई जो ई का मार्क क्या है 5, जे का 15, टी का 20, ओ का 20, टी का 20, सॉरी जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, ये 5 करके इसमें ऐड होके चला है। याद रखने में ये बहुत ही आसान है, ई ज्योति ई के मार्क 5 है, जे 10 है, ओ 15 है, टी 20 है, वाई 25 है। अगर ऐसे लेटर सीरीज है तो देखिए यहाँ जो एम 13 है यानी ओ से दो नंबर आगे वाला जो है, दो नंबर आगे क्या है, एम एन ओ, सो यहाँ एम की मार्क क्या होगा 13 हो जाएगा, तो एम 13 है। 15 क्या है, ज्योति ओ, ओ इंटू 15 यानी यहाँ 15 वाले जो नंबर है जो लेटर है ये क्या है ओ होगा। 16 यानी ओ के इमीडिएट बाद में जो है एम एन ओ
पी होगा 15 के इमीडिएट वर्ड 16 यानी पी होगा। 5 क्या है, 5 ई है तो यहां ई होगा। 4 क्या है, ई के आगे वाले क्या है, डी होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे सॉल्यूशन है, इसका जो कोडिंग है इनका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो देखिए इस एम ओ पी ई डी है कुछ में, इसमें नहीं है पी से शुरू हुआ है, या बी में देखिए एम ओ पी ई डी यानी ये आंसर है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं, तो हमारे सॉल्यूशन बी निकल के आया। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही इजी है, जस्ट क्या है आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान है, इसमें 2 मार्क्स लाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आई थिंक फ्रेंड्स इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप सब इसे बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम समय में इसे आप निकाल सकते हो। आप नंबर 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इन ए सर्टेन कोड पी ए एन इज रिटन एज 31 PAR is written as 35 and PAT क्या है, इसे निकलना है। आंसर के जो ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन में है 37, सी ऑप्शन में है 38, ऑप्शन डी में है 39। चलिए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखिए पी ए एन ये इक्वल टू 31 यानी नंबर की जो लेटर की अगेंस्ट में नंबर नहीं बैठाया गया है इधर, क्योंकि यहाँ 3 लेटर से नंबर ओनली 2 है। सो पहले जो बात है, पहले जो रीजन है लॉजिक है, इसे हम यूज नहीं कर सकते इधर। तो देखिए यहाँ मेरे ख्याल से और एक फॉर्मूला है, ये क्या है जो लेटर की जो नंबर है इस नंबर को शायद बैठाया गया है। पी के लेटर जो लेटर के नंबर है क्या हो सकता है, हमने थोड़ा पहले जो बात की है ई, इस फॉर्मूला में जाते हैं देखते हैं क्या है। ई जे ओ टी वाई, E के क्या था 5 था, J के क्या था 10 था, O का 15 था, T का 20, Y का 25 था, P किस में P कहा आता है देखिए O M N O के बाद क्या है P, यानी 15 अगर O होगा तो 15 के प्लस एक लेटर बात की है, इसलिए P के जो नंबर है ये क्या होगा 16। ए के नंबर क्या है फ्रेंड्स ये तो पता ही है 1, एन का क्या होगा एन का 13 है तो एन का क्या होगा 14 होगा। तो फ्रेंड्स इसे प्लस कर लीजिएगा तो क्या होगा 11, 1 11 से 1 2 प्लस 1 31। तो देखिए ये जो 31 निकालने का जो फॉर्मूला है ये हम डिक्यूट कर लिया है। तो आप देखिए जो जो है इसके साथ ये फॉर्मूला मिलता है कि नहीं, पी ए आर हमने पी के क्या नंबर पाया 16, ए का 1, आर आर के कितने हो गए आर
T20 के दो लेटर पहले Q R S T यानी दो नंबर पहले क्या है टी, टी के दो नंबर पहले क्या होता है ये जो R है ये होता है, यानी 20 माइनस 2 कर दे तो निकल आएगा क्या 18। तो R के जो नंबर है ये क्या है 18, तो हम प्लस कर दे तो 15 में 5 इधर 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 35, दैट मींस 35 जो है ये भी निकल के आया। यानी फ्रेंड्स देखिए हमारी जो एज्यूम है हमने जो एज्यूम किया है वो सही है, लेटर की नंबर को प्लस करने से हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ क्या है फाइनली किसके निकलना है PAT को निकलना है। तो P के लिए हमने क्या पाया 16, A के लिए 1, T के लिए T का मार्क क्या है T का नंबर क्या है 20, हम 20 प्लस कर दे तो क्या होगा 6 + 1 = 7 + 2 + 1 = 37 हमारे सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में 37 है, सो यहाँ सॉल्यूशन क्या हो गया बी नंबर्स हमारे सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमने थ्री फॉर्मूलास की जो कोड है कोडिंग डिकोडिंग किया है ये बहुत ही इजी है, टफ कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स आप ये कोशिश करना ट्राई करना, मैंने भी वीडियो के नीचे फिर इस जो क्वेश्चन को मैं जोड़ दूंगा कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में यहाँ खत्म करता हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, विश यू अ वेरी गुड डे।